नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है नए फ्रेश एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ईमेल आईडी कैसे आप रजिस्टर करवा सकते हो एयरटेल फोन नंबर से। देखिए, जो ईमेल आईडी जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आपका फोन नंबर में रजिस्टर होगा तो इससे क्या होगा ना, जब भी आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम में फंसते हो, जैसे कि रॉन्ग ट्रांजेक्शन हो गया या फेल ट्रांजेक्शन हो गया, या अगर आपको सिम भी चाहिए यानी ई सिम भी चाहिए, या किसी तरह का भी आप प्रॉब्लम में फंसते हो, तो अगर आपका ईमेल आईडी रजिस्टर होगा तो जब भी उनको मेल करोगे तो आपको सीधा केस आईडी क्रिएट हो जाएगा। बट अगर आपका ईमेल आईडी रजिस्टर नहीं होगा तो वो लोग कोई केस आईडी नहीं रजिस्टर करेंगे, वहां से एक मेल आएगा कि प्लीज रजिस्टर योर मोबाइल नंबर विद योर ईमेल आईडी। यस, आपको इस चीज से बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका मैं बताऊंगा यहां पर, किस तरीके से आप अपना फोन नंबर से अपना ईमेल आईडी रजिस्टर करवा सकते हो। तो इस वीडियो में एक चीज आप समझ लीजिए कि मैं एक तरीके की बात नहीं करने वाला, यहां पे मैं कम से कम 4 से 5 अल्टरनेटिव वे बताऊंगा जिसको आपको अच्छे से देखना है। और मेरा यही मानना है कि आज वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा, एक भी चीज स्किप करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपका एक तरीका काम नहीं कर रहा तो दूसरा तरीका काम करेगा, दूसरा तरीका काम नहीं कर रहा तो तीसरा तरीका काम करेगा। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको पता है क्या करना है, कर दीजिए। और आप प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, कोई भी और प्रॉब्लम रिलेटेड टॉपिक्स में आप फेस कर रहे हो तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज के इस वीडियो पर सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे इफेक्टिव वे, यानी कि 30 मिनट्स में आपका मेल आईडी जो है रजिस्टर हो जाएगा, वो है एयरटेल थैंक्स ऐप से। यह सबसे जो इफेक्टिव वे जो मैं मानता हूँ या माना जाए तो एयरटेल थैंक्स ऐप है। और यहाँ पर अगर आपसे नहीं हो रहा है तो क्या कारणों से नहीं हो रहा है, इस वीडियो में आपके साथ ये भी शेयर करने वाला हूँ। और किस तरह रजिस्टर किया जाता है वो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट कोई नहीं, आप उस वीडियो को देखने के लिए वापस क्यों जाओ, मैं इसी वीडियो में आपको समझा देता हूँ किस तरह रजिस्टर किया जाता है। तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन गया है, बट आपको यहाँ पर मैं ये बता सकता हूँ, ये इस वीडियो को देखने के बाद आपका ईमेल आईडी बहुत आराम से रजिस्टर होगा। और प्लीज़ इसको पूरे एंड तक देखना यार, एक भी चीज़ स्किप मत करना और समझ लेते सबसे पहले एयरटेल थैंक्स। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद आपको मोर वाले ऑप्शन पे आना, प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे आके यहाँ पे एडिट का ऑप्शन देख रहे हो, आपको यहाँ पे एडिट करना है और आपको अपना मेल आईडी एंटर करना है और इसे सेव करना है। ये एक थी नॉर्मल से आप करवा सकते हो, बट इसमें अगर आप ट्राई अगेन लेटर या कुछ भी तरीके से प्रॉब्लम आता है तो आपको यहाँ पे मैं कुछ तरीके बताऊंगा, उस तरीके को पहले देखिए और उसके बाद चेक कीजिए। तो सबसे पहले तो आपका जो फ़ोन नंबर होना चाहिए वो एक्टिव मोड में होना चाहिए, यानी कोई ना कोई प्लान आपके फ़ोन में चल रहा होना चाहिए, किसी तरह का भी प्लान हो, 49 वाला जो प्लान होता है या 149, कोई भी एक प्लान एक्टिव होना चाहिए आपके फ़ोन नंबर पर, यानी कि आपका फ़ोन नंबर डीएक्टिवेट नहीं होना चाहिए। बात कर लेते, सबसे पहले तो आपका फ़ोन नंबर जो एक्टिवेट होना चाहिए तभी आप मेल रेडी को रजिस्टर कराने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आ देते हैं आप एक बार, तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर ओपन कीजिए और वहाँ पे देखिए जो एयरटेल थैंक्स ऐप है वो अप टू डेटेड है कि नहीं, यानी कि वहां पे अपडेट का ऑप्शन आ रहा है कि ओपन का ऑप्शन आ रहा है। अगर ओपन का ऑप्शन आ रहा है तो वेल एंड गुड, इट्स ओके। आप ओपन करने के बाद आप फिर से एक बार ट्राई कीजिए, नहीं हो रहा है कोई नहीं, आप एक बार लॉग आउट कीजिए। आप सबसे पहले लॉग आउट कीजिए, उसको पीछे से हटा दीजिए यानी रैम को क्लियर कर दीजिए, उसके बाद थोड़ी देर के बाद लॉग इन करके देखिएगा और फिर एक बार अपडेट करने की कोशिश कीजिए। तो ये जो तरीके मैंने बताए आप इस तरीके को प्लीज अच्छे से फॉलो कीजिएगा। उसके बाद अगर ये तरीके भी आपको काम नहीं कर रहे, यानी आपका ऐप भी अपडेटेड है, प्रोफाइल भी अपडेट कर रहे हो नहीं हो रहा है, आपका एक्टिव प्लान भी चल रहा है तो भी नहीं हो रहा, तो सबसे मेन जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको सबसे पहले एयरटेल थैंक्स ऐप को ओपन करना है, प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे जाना है, और प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पर सारी चीज़ों को एडिट करना है, यानी आपकी जो जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद आपका मेल आई डी, आपका जो एड्रेस है, उन्हें पूरी तरह आप उसे चेंज कीजिए यानी कि अपडेट कीजिए और उसे सेव कर दीजिएगा। अब ये करने के बाद आपका एयरटेल थैंक्स ऐप दिखाएगा कि आपका मेल आईडी रजिस्टर हुआ है कि नहीं। सेव करने के बाद एक बार फिर से एडिट वाले ऑप्शन पे आओगे तो मेल आईडी की साइड में आपको वेरीफाई लिंक मिलेगा, जिसे क्लिक करके आप लिंक को वेरीफाई करवा सकते हो, यानी मेल आईडी को वेरीफाई करवा सकते हो। तो कोई कारण से अगर आपका एयरटेल थैंक्स ऐप में रजिस्टर नहीं करवा पा रहे हो, तब आ जाते हैं हम सबसे सेकेंड वे, यानी दूसरे तरीके, वो है SMS 121। अगर आप SMS 121 को कर रहे हो और आपको बार बार यही मैसेज मिल रहा है तो इसका मतलब ये काम करने वाला नहीं है, तो फिर भी एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है ना। तो आपको कैसे SMS करना है आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे दिखाया है, ईमेल आईडी जो है कैपिटल लेटर में होना चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा एक स्पेस दे दीजिए और अपना मेल आईडी और स्पेस देके आपको 121 पे सेंड करना है। अगर उसके बाद आपको यही मैसेज आता है तो उसका मतलब ये जो सेकंड वाला तरीका ये काम नहीं करने वाला, बट मैंने इसे बता दिया बाई चांस आगे इन फ्यूचर ये कभी कभी काम करने लगे, बट एक बार ट्राई करने में कोई हर्ज तो नहीं है, एक बार ट्राई कर लीजिए, नहीं आ रहा है तो सेकंड वे तो आपका फ्लॉप हो गया। अब आ जाते हैं तीसरे वे की ओर। तो तीसरा वे जो है एयरटेल वेबसाइट की ओर है, यानी कि आपको अपना डेस्कटॉप या आप फोन पे भी कर सकते हो। सबसे पहले आपको सर्च करना है airtel.in और यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन आप कर सकते हो, फोन नंबर और OTP से लॉगिन हो जाता है।
लॉगिन करने के बाद अकाउंट वाला ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर ओपन ओपन कर लीजिए। यानी अकाउंट ओपन करने के बाद देख सकते हैं मेल आईडी की साइड में एडिट करने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे जस्ट एडिट करना है और यहाँ पे मेल आईडी डाल के इसे सेव करना है। अब यहाँ पे भी वही चीज अप्लाई होती है, आपका जो फोन नंबर है वो एक्टिव प्लान में होना चाहिए। अगर आपका नहीं होता है, इसमें भी आपका फील्ड आता है, तो आपको अपना पूरा प्रोफाइल अपडेट करना है फिर से, यानी री एंटर करिए फिर से, यानी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पूरा परमानेंट एड्रेस, पूरी तरह एड्रेस आपका क्लियर होना चाहिए। एक बार एड्रेस करने के बाद कोशिश कीजिए, मे बी आपका काम हो जाए। अब आ जाते हैं हम तीसरे तरीके से, यानी कि आ जाते हैं नेक्स्ट, यानी जो हम ये जो तरीका आपके साथ शेयर करने वाले हैं, ये आपको बहुत लोग बताएंगे बट ये काम नहीं करने वाला है। वो क्या है, आप एयरटेल का स्टोर कभी विजिट मत कीजिएगा। यानी अगर आप सोच रहे हो अपडेट करवाना ईमेल आईडी और जाऊंगा मैं एयरटेल के स्टोर पे तो हो जाएगा, तो नहीं होने वाला। एक जो मिथ था मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ कि एयरटेल स्टोर पे आप विजिट करोगे तो आपका मेल आईडी रजिस्टर वो लोग नहीं करवा सकते। ये आपको एक इन्हीं तरीके से जो मैंने आपको बता रहा हूँ इन्हीं तरीके से हो सकता है। तो अभी तक जो मैंने आपको समझा दिया आपको समझ आ गया होगा एयरटेल थैंक्स है बहुत इफेक्टिव वे है, फिर भी मैंने उसके कुछ जो फ्लॉप होने के जो कारण है वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया। एक बार फिर से ट्राई करके देखिए एयरटेल थैंक्स ऐप में बहुत प्रॉपरली। उसके बाद आ जाते हैं हमारा SMS वाला, तो कभी काम करने वाला नहीं है। और वेबसाइट वाला ट्राई कर लीजिए और SMS वाला एक बार फिर से ट्राई कर लीजिएगा। और आ जाते हैं हम सबसे इफेक्टिव वे जो मैं एक और बताने वाला हूँ, वो है कॉल 1-to-1। पहली बार सुन लीजिए कॉल 1-to-1 पे किस तरह आप क्या करना है, कैसे कैसे स्टेप्स लेना मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो कॉल 1-to-1 पे आप फोन करोगे, यानी 1-to-1 पे फोन करोगे, तो यहाँ पे जो सबसे मेन चीज मुझे जो दिक्कत हो रहा है वो मेल आईडी रजिस्टर करने में बहुत टाइम लगा, यानी 2 दिन, यानी 48 आवर्स तक आपको लग जाएगा। बट कोई नहीं, आप यहाँ पर करवा सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। मैं बताऊंगा किस तरह। आपको सबसे पहले फोन करना है और सबसे पहले आपसे ये लैंग्वेज पूछेंगे, और लैंग्वेज पूछने के बाद आप अपना जो भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिए जो मैं आपको सुना रहा हूँ, पहले आप ध्यान से सुनिएगा। हमेशा तैयार हैं, आप अपने सवाल एयरटेल थैंक्स ऐप पर हमसे शेयर कर सकते हैं। प्रीपेड सेवाओं के लिए 1 दबाएं, पोस्टपेड इंटरनेट काम नहीं कर रहा, सिम खो गया है, कॉल नहीं कर पा रहे हैं, जैसी समस्याओं के लिए 1 दबाएं। अपना अकाउंट बैलेंस, वैधता, डेटा बैलेंस, आखिरी कटौती, TUK और अपना मोबाइल नंबर जानने के लिए 2 दबाएं। तो अभी मुझे दबाना है 2 नंबर, आपको भी 2 ही नंबर दबाना है। अपने अकाउंट बैलेंस और वैधता के लिए 1 दबाएं। अपने इस्तेमाल किए गए डेटा की जानकारी के लिए 2 दबाएं। अपने नंबर पर हुई आखिरी 5 कटौतियां और रिचार्जेस के लिए 3 दबाएं। अपना TUK नंबर या मोबाइल नंबर जानने के लिए 4 दबाएं। दोबारा सुनने के लिए 0 दबाएं। पिछली सूची के लिए 7 दबाएं। मुख्य सूची के लिए 8 दबाएं। हमारे कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट से बात करने के लिए 9 दबाएं। कृपया ध्यान दें, ये कॉल प्रत्येक 3 मिनट के लिए 50 पैसे की दर से चार्ज की जाएगी। अगर आपका कॉल 1-to-1 अधिकारी को ट्रांसफर करना है तो कृपया 1 दबाएं। मुख्य सूची के लिए 8 दबाएं। अब पूरा अच्छे से डिटेल सुनिए जो वो ये कहना चाहते हैं। उसके बाद आपको सीधा 9 नंबर दबाना है, और 9 नंबर पे आप सुन सकते हो मुझे कॉल वाले, बात कर सकता हूँ एग्जीक्यूटिव से। और यहाँ पे मैं 1 नंबर दबाती हूँ, मैं 1-to-1 के कस्टमर केयर से बात करने चला गया। अब यहाँ पे क्या चीज पे ध्यान रखना है, सबसे पहला चीज आपका मेल आईडी आपके आंख के सामने लिखा हुआ होना चाहिए। एक भी स्पेलिंग मिस्टेक, एक भी जो डेट ऑफ बर्थ या जो भी नंबर आप यूज किए हो, एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपसे फोन नंबर पूछेंगे जिस नंबर पे आपको रजिस्टर करवाना है, दोनों चीज आपके सामने रजिस्टर यानी लिखे होने चाहिए। उन दोनों चीजों आप उनके साथ शेयर कीजिएगा। और एक अल्टरनेटिव नंबर भी पूछेंगे, वो भी आप नंबर दे सकते हो, किसी का भी दे सकते हो, बट कोई नहीं, उस नंबर पे भी आपको फोन आ सकता है। तो अल्टरनेटिव नंबर आप एक दे दीजिएगा और आपको 48 आवर्स के अंदर एक कॉल आएगा। वैसे भी वो कस्टमर केयर ही आपको एक डेट बता देगा कि इस डेट तक आपका ईमेल आईडी जो है प्रॉपरली रजिस्टर हो जाएगा। तो मेन चीज जो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं, आपको यहां पे 48 आवर्स का जो टाइम लगने वाला है, बहुत टाइम लगने वाला है, बट 48 आवर्स की जरूरत नहीं है। आपको 24 आवर्स के अंदर ये कॉल आ जाएगा इटली की तरफ से, जहाँ पे आप पूछेंगे कि आप अपना ईमेल आईडी जो है रजिस्टर करवाना चाहते हो, आप बता दीजिएगा हाँ, और अपना ईमेल आईडी जो है वेरीफाई करवा दीजिएगा। तो बहुत ही इजीली आपका जो मेल आईडी है वो रजिस्टर हो जाएगा। ये है कॉल 1-to-1 वाला ऑप्शन। तो प्लीज ईमेल आईडी को रजिस्टर करवा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया मैं मानता हूँ, बट मुझे ये चीजें सारे कवर करने थी, यानी जितने भी तरीके हैं यही एक तरीके हैं और आपको कोई दूसरा तरीका नहीं मिलने वाला। जो तरीके हैं सबसे बेस्ट जो ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ वह है कॉल 1-to-1, उसके बाद एयरटेल थैंक्स ऐप। अगर एयरटेल थैंक्स ऐप से काम नहीं चल रहा, कॉल 1-to-1 से आपका काम बन जाएगा। और कॉल करने का टाइमिंग भी होता है, आप ये नहीं कि 24 घंटे में आप कभी भी फोन कर दीजिए। मॉर्निंग का मैं बेटर टाइम बताता हूँ आपको, 9 बजे से 6 बजे तक कीजिएगा, इन्हीं इसी टाइम पे कीजिए प्लीज। इसी टाइम पे आप कॉल करने की कोशिश कीजिए, 9 से 6 बजे तक थोड़ा टाइम लग सकता है, बट आपका काम इसी टाइम में हो जाएगा। तो ये जो तरीके मैंने बताया इसे एक बार ट्राई कर लीजिए, और यहाँ तक देखा है तो आपको पता है क्या करना है, कर दीजिएगा। आपको पता है क्या करना है, कर दीजिए। और कोई भी और प्रॉब्लम है तो प्लेलिस्ट आप देख ही सकते हो। और यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नए फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।